लेट्स डू इंट्रोडक्शन टुडे. इंट्रोडक्शन का आज हम पार्ट टू करेंगे. पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और आज मैं पार्ट टू अपलोड करने जा रही हूँ. पार्ट टू में मैं ये बताऊँगी कि ये जो एक्सरसाइज है हमारी 3B वो कौन से मेथड पे बेस्ड है. तो चलिए करते हैं. हमारी जो एक्सरसाइज है 3B वो हमारे दो मेथड पे बेस्ड है, राइट. एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है एलिमिनेशन मेथड, राइट. अब सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड क्या होते हैं. सब्स्टिट्यूट मतलब कि एक जगह से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे वेरिएबल में पुट करना इज कॉल्ड दी सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट. राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दो इक्वेशन है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 और एक है 4x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 1. ये दो इक्वेशन है हमारे पास. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हम यहाँ से या तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं या y की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट इक्वेशन से, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हुई, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हुई और यहाँ से मैंने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल ली y की 7 माइनस 2x, राइट. और हमने सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दी y की जगह, तो 4x माइनस 3 इंटू 7 माइनस 2x कर दिया इक्वल्स टू माइनस 1 और इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या आता है, सब्स्टिट्यूशन. इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन में, फिर से बता रही हूँ, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है किसी भी एक इक्वेशन से, चाहे आप इक्वेशन सेकंड से निकाल सकते हैं किसी भी वेरिएबल की वैल्यू, यहाँ वेरिएबल है एक्स और वाई, इन दोनों में से किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालिए और दूसरी इक्वेशन में पुट कर लीजिए. सेम इक्वेशन में पुट नहीं करना होता है, दूसरी इक्वेशन में पुट करना होता है. जैसे कि यहाँ से मैंने इक्वेशन फर्स्ट में से वाई की वैल्यू निकाली और मैंने ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें पुट कर दी. दैट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड. मैं मोस्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड वहाँ प्रेफर करती हूँ जहाँ पे किसी भी वेरिएबल के साथ कोई वैल्यू नहीं होती, राइट. वो क्यों, क्योंकि हमारा इजी पड़ जाता है उसको सॉल्व करना. मैं आपको क्वेश्चंस में बताऊँगी कि मैंने कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया और क्यों किया है. क्वेश्चंस मैंने ऐसे भी यूज़ किए हैं कि यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड जहाँ पे अपॉन में आ गई है, लेकिन वो इतना लेंदी हो जाता है कि उसको बहुत मुश्किल पड़ता है करना. अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है कि आप कौन से मेथड से करें, तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं या एलिमिनेशन मेथड. अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, अब एलिमिनेशन मेथड होता है, ये आपके पास दो इक्वेशन है. एलिमिनेशन क्या करता है, आप इन दोनों कोई से भी एक वेरिएबल को इक्वल कर लेते हैं और उन दोनों के साइन चेंज कर लेते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये है हमारे पास 2x प्लस y इक्वल्स टू 7 और यहाँ है 4x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 1. अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन है और ये दो सेकेंड इक्वेशन, अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये आएगा हमारा 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 21 और सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, 4x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 1. अब देखेंगे आप कि ये जो है वेरिएबल के साथ जो कॉफिशेंट है वो सेम है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है. तो जब एक ही वेरिएबल के जो कॉफिशेंट्स हैं उनको सेम करना इज कॉल्ड दी एलिमिनेशन मेथड. लेकिन एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने के लिए एक इक्वेशन का पॉजिटिव साइन होना चाहिए एक वेरिएबल का और दूसरे का माइनस. अगर दोनों के प्लस हैं तो हमें नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करने होते हैं. वो मैंने आपको क्वेश्चंस में समझाया है कि आपको कब कब क्या क्या करना पड़ेगा, कब कैसे करना पड़ेगा. तो प्लीज़ आप मेरी सारी वीडियोस देखें कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कब यूज़ किया है और एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ किया है. मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ. आपको मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड समझा दिया है कि हम यहाँ पे एक ही वेरिएबल, हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो इसको हमने सब्स्टिट्यूशन का इजी वे में बताऊं तो इसका मतलब है कि
दो इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल हैं तो उन दो वेरिएबल की जगह उन्हें एक वेरिएबल में कर लेना, राइट. और एलिमिनेशन का मतलब है जो हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे लास्ट क्लासेस में उनको करना, राइट. तो वेरिएबल, अब मैं एलिमिनेशन का आपको एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ. इसी का 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 था और ये था 4x माइनस 3y equals to minus 1 था. तो हमने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया. ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी. तो हम हमारा क्या आ गया, ये आ गया 6x प्लस 3y equals to 21 और ये आ गया 4x माइनस 3y equals to minus, राइट. तो अब देखिए यहाँ पे प्लस का है 3 और यहाँ पे माइनस का 3y है, तो ऑपोजिट साइन है. अगर नहीं होते तो हमें नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करने पड़ते. तो ये कैंसिल हो गया. अब ये दोनों पॉजिटिव हैं तो आपस में प्लस हो जाएंगे. ये एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. तो ये क्या आ जाएगा, ये हम लास्ट क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं. ये आ जाएगा 10x इक्वल्स टू 20 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 अपॉन 10 दैट इज 2. अब इस 2 को हम किसी भी फर्स्ट इक्वेशन में रख लेंगे. पुटिंग x equals to 2 in equation first, तो हमने क्या लिखेंगे, 2 into 2 plus y equals to 7. तो यह है 4 plus y equals to 7. y कितना आ गया, 7 minus 4, तो y आ गया हमारा 3. तो अब इससे हमें पता चल गया कि x की वैल्यू आ रही है 2 और y की वैल्यू आ रही है 3. तो आप इन दोनों में किसी भी इक्वेशन में रखेंगे ये वैल्यूज तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होगी. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं 4x x की वैल्यू 2 और माइनस 3 इंटू 3 रखती हूँ तो ये माइनस 1 आना चाहिए. आप देखिए कैसे 4 टू 8 माइनस 9, तो ये आ गया माइनस 1 और ये माइनस 1 मेरा इसके राइट हैंड साइड के इक्वल है. तो इसका मतलब x और y की ऐसी यूनिक वैल्यू निकालना. तो ये हमारा था एलिमिनेशन मेथड जिसमें हम x और y की यूनिक वैल्यू निकालते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होता है, राइट. ये चेक करने का तरीका होता है कि आपकी जो x की वैल्यू आई है और y की वैल्यू आई है वो ठीक आई है कि नहीं आई. तो हम अब करते हैं क्वेश्चंस. प्लीज़ आप मेरी सारी वीडियोज़ देखिए, स्टार्टिंग से देखिए और कोई भी स्किप मत करिए. मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें उसमें सिखाई हुई हैं, क्लास 10th के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उसको ध्यान से देखिए. थैंक यू.